उपाय किया है। तीसरा प्रश्न ही हमें भगवान कृष्ण की कथा सुना। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं उनके जितने सारे अवतारों का भी कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जस की कथा सुनाओ। और छठवा प्रश्न भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके गए ये धर्म कलयुग में कहाँ आश्रय किया। जब उन्होंने ये छह प्रश्न की ये छह प्रश्न सुन करके सुतर आयु भाव पुत्री तन्मय दया तरवो तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तुस्मि। यदि सबसे पहले गुरु जी की चरण को क्यों वंदना करते हैं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बले बंदा गोरो पाद पादो मां पराकरम सबसे पहले गुरु जी की चरण की वंदना करो उसको बाद में फिर मेरी। अगर कोई गुरु जी की चरण की वंदना किए बगैर अगर डायरेक्ट अगर मेरी कोई पूजा करे ना उसका पूजा निष्फल हो गया, उसका पूजा करने का कोई फल नहीं होगा। इसलिए पहले गुरु जी की चरण की हम वंदना करनी चाहिए। देखो एक छोटी सी कथा सुनो। आप लोग पानी में एक पानी के अंदर में चिड़िया रहता है काले काले का देखना, वो चिड़िया क्या करता है पानी में डूब कर मछली पकड़ता है। अभी मछली पकड़ करके वो डायरेक्ट नहीं खाता है, वो मछली को चोंच में पकड़ करके ऐसे फेंकेगा, फेंक करके फिर उसको दो बार पकड़ कर खाएगा। एक व्यक्ति ने उसको देख करके सीख लिया, उसने क्या किया लकड़ी का एक चाटू बनाया और ऐसे ऊपर फेंकता है और उसको मुँह में पकड़ता है। उसको जो बढ़िया से प्रैक्टिस ही हो गया अब उसने लोहे की चाकू बना बना करके उसको प्रैक्टिस करते 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 बड़ी ऊंचा तक फेंकता और फिर उसको पकड़ लेता है और उसको ही अपना जीवन का बिजनेस बना लिया। जब देखे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर बड़ी जोर से बाजा जाएगा, लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे ना फिर उसको फेंक करके पकड़ लेते। उसने अपना जीविका बना लिया। एक व्यक्ति ने देख करके बोला वाह जिस गुरु ने तेरे को ये विद्या सिखाई धन्य तेरे गुरु। इतने में उसने कहा गुरु जी मेरे को थोड़ी सिखाई मैं तो अपने आप सीख गया। लेकिन कौन था गुरु उसका? चिड़िया था। इसी जगत में कोई भी जो सिगरेट फूंकता है जो शराब पीता है जो चोरी करता है ना उसका भी कोई गुरु होता है। बगैर गुरु के इसलिए बगैर गुरु के जगत में कुछ भी नहीं होता है। हर चीज में गुरु है, हर चीज में गुरु है। अभी तक वो तो काम में सक्सेसफुल होता था क्योंकि चुपे गुरु जी को अनादर नहीं किया। एक ने कहा मुझे और एक बार दिखा, उसने चाकू को पकड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं भैया जब तक हम गुरु जी के चरण को आश्रय नहीं ग्रहण करें तब तक संसार से पार नहीं हो सकते। हाँ देखो और ये भी एक बात बता रहे भैया गुरु तो करनी चाहिए लेकिन गुरु करे जान के और पानी पियो पानी पियो जहाँ करें। इसलिए गुरु जी करनी चाहिए जहाँ तक नहीं करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण गीता में और श्रीमद् भागवत में गुरु जी का तीन लक्षण बताया। एकादश स्कंध में जब नेमी महाराज के प्रश्न करते हैं नव जोगेंद्र को कभी ये माया से निकलना बड़ा कठिन है। कृष्ण खूब कहते हैं कई भी हिसाब गुणमया दुर्गतया ये माया को कोई पार नहीं हो सकते हैं, ये बड़ी ठगी है ये माया। जब उन्होंने पूछे ये माया से अगर कोई पार होना चाहते हैं उसको क्या करनी चाहिए,
तो यहाँ पर श्री नवसुदंद्र ने बता दी बोले तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासो श्रेयोत्तमं साते परे च निष्णातं ब्रह्मन्युपसमाश्रय। बोले गुरु जी के तीन लक्षण होने चाहिए। बोले पहला लक्षण क्या? बोले सारे शास्त्र को अध्ययन करने चाहिए। क्यों? अगर वो सारे शास्त्र अध्ययन नहीं किए होंगे शिष्यों के अंदर में जो शंका है वो शंका को दूर नहीं कर सकते, इसलिए इनका नाम गुरु। गुरु मतलब क्या है? बोले गुकार अंधकारत्वात् रुकारतस्य निरतः। गु मतलब होता है अंधकार और रु मतलब होता है दिव्य आलोक। हृदय की जो अज्ञान को हटा करके जो दिव्य आलोक दिखाते ये गुरु जी का काम है। इसलिए इनका पहला लक्षण है जो सारे शास्त्र को पढ़ा हुआ हो शंका को जो दूर कर सके। बोले यही क्या सब कुछ? बोले नहीं। कहते इनके तटस्थ लक्षण, तटस्थ मतलब कि बाहर का लक्षण है। बड़े बड़े दुनिया में बड़े बड़े पंडित पढ़े हुए फिर तो गुरु बन जाएंगे। बोले नहीं। बोले परेच निष्णातम। परेच मतलब होता है शास्त्र की अनुभूति भी होनी चाहिए। केवल ऐसे नहीं दूसरों को उपदेश के लिए हम शास्त्र बोलते हैं और अपना जीवन में कुछ उतारते नहीं। नहीं, जो बोलते हैं वो भी अपना जीवन में उतारते हैं। इसलिए एक समय कोई एक बच्चा बहुत भूखा था। पिताजी ने देखा मना करते करते हार गया। वो बच्चा सुनता नहीं। एक संत को पास मिले गए। बोले संत जी ये बेटा मेरा बात नहीं सुनता, बहुत भूखा रहा, आप कृपा करके थोड़ा बोल दो। बोले 7 दिन बाद में। अभी 7 दिन बाद में जब लेकर गए बोले बेटा ज़्यादा गुड़ नहीं खानी चाहिए, शरीर खराब हो जाएगा, ज़्यादा गुड़ मत खाया करो। जिस व्यक्ति ने लेकर गया था बोले संत जी जब मैंने 7 दिन पहले लाया था आप उसी समय में क्यों नहीं बोले, ये 7 दिन बाद में क्यों बोले? बोले बेटा पहले मैं भी ज़्यादा गुड़ खाता था, इसलिए जब मैं स्वयं ज़्यादा गुड़ खाता था अगर किसको बोले तो गुड़ मत खाया करो फिर वो पालन नहीं करेगा। मैंने 7 दिन में ना इसको मैंने कंट्रोल कर दिया, इसलिए मैंने आज मैंने बता रहा हूँ। इसलिए कहते हैं सारे शास्त्र जानना ही सब कुछ नहीं, उसको अपना जीवन में जो उतारने वाले होने चाहिए। और जो तीसरा गुण है ये माया से ऊपर उठे हुए लोग, जो संसार की जो माया से जो ऊपर उठे हुए व्यक्ति होनी चाहिए। जैसे कुआ है, अगर दोनों अगर कुएं में पड़े हुए होंगे भैया कौन किसको निकालेगा? अगर कुएं को ऊपर में कोई होगा अगर वो रस्सी फेंके हम उसको जोर से पकड़े फिर तो हमें निकाल सकता है। अगर दोनों अगर गुरु हमसे ज्यादा संसार के, हम जैसे बीबी बच्चे दुनियादारी में फंसे हुए हमसे ज्यादा ही गुरु फंसा हुआ दुनियादारी, अपना पति पत्नी दुनियादारी वो फिर हमें क्या निकलेगा? इसलिए माया से ऊपर होनी चाहिए गुरु। इसलिए यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी सर्वप्रथम अपना श्री गुरु जी की चरण की वंदना करते हैं। बोले भैया मेरे गुरु जी कौन है? बोले जन प्रभजंत मन प्रेतम अपेत कृतम। जैसे साधारण बच्चा मातृगर्भ में 9 महीना रहता है, मेरे गुरु जी 16 साल तक रहे, गर्भ से निकलना नहीं चाह रहे थे। जब श्री व्यास देव जी ने बोले बेटा माँ को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, निकल करके आ जाओ। बोले पिताजी ये संसार माया का संसार है, जब बच्चा गर्भ में रहता है ना दुख कष्ट भोग करने पर भगवान को पुकारता प्रभु मेरे को गर्भ से जल्दी निकालो। ठाकुर जी कहते हैं बताओ क्या करोगे अभी निकल करके? बोले अभी मैं समझ लिया हूँ दुनिया में कोई रिश्ता है नहीं, जिनके लिए मैंने संसार में किया है वो बेटा कहाँ वो बेटी कहाँ वो बीवी कहाँ वो पति कहाँ है सब। सुख का समय तो सबके सब दुनिया साथ में थे, जब मैं दुख भोग कर रहा हूँ कहाँ कहाँ सबके सब। ये तो केवल मतलब का संसार है, इसलिए मैं समझ लिया हूँ एक बार केवल मेरे को गर्भ से निकाल दो मैं कान पकड़ता हूँ, कभी भी ये झूठा संसार में नहीं फंसूंगा। 3 रात उठते बैठते सोते तेरे नाम जप करूंगा। बोले अभी दुख कष्ट पा करके बोल रहे हो ना, सचमुच से जन्म लेने का बाद भजन करके ना भूल जाओगे? बोले प्रभु कभी नहीं भूलूंगा। ठाकुर जी बोले देखो बेटा अगर भूल जाओगे ना बीच बीच में तेरे को मैं वार्निंग दूंगा।
बोले क्या बात की कहोगे, बोले पहला नंबर में जब एक बाल बच जाए समझना ही फर्स्ट बात नहीं है, सावधान हो जाना। लेकिन जब हमारे पहला बाल पकता है ना उसको उखाड़ देते हैं, बोले इतने जल्दी हम बूढ़ा बन बना रहा कुछ भी हो। दूसरा बाल पक जाए तभी उखाड़ देंगे, तीसरा पक जाए उखाड़ देंगे, अगर खिचड़ी बन जाए ना फिर कलर मेहंदी लगा के काला कर देते हैं, कहते हमें इतना जल्दी बुरा बना और कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते दूसरा वो आदमी की दूंगा, बोले क्या करोगे, बोले आँख में देखना कमजोर हो जाएगी, अरे बढ़िया चश्मा लगा लेते हैं हीरो बन जाते हैं, कहते हमारा कुछ भी नहीं हुआ अभी। ठाकुर जी कहते तेरे तीसरा वो आदमी की भी दूंगा, बोले क्या करोगे, बोले एक एक दांत तोड़ना शुरू करूंगा, कहते ये एक एक वो आदमी है। फिर हम डेंटिस्ट के पास में जा करके फिर दांत लगा कर खिला के रखते हैं। ठाकुर जी कहते तेरे चौथा वो आदमी, बोले दो प्यार से तीन प्यार हो जाएगा, अरे डंडा लेकर डंडा पकड़ना पड़ेगा। भगवान कहते ये एक एक वो आदमी दे रहे हैं ठाकुर जी, तुमने जो मातृ गर्भ में कसम खाया था भजन गर्भ जितने भजन कर रहे हो, इसलिए भगवान कहते कभी कभी माँ समय रहते हमें सावधान हो जानी चाहिए, समय रहते हमें सावधान हो जानी चाहिए। कहते फिर हम ठीक ठीक आदमी नहीं दूंगा, फिर राम नाम बोले आप नहीं हटा सकते हो, जो मायापति जो भगवान कृष्ण वही हटा सकते हैं। जब कृष्ण आकर के माया हटाए सब श्री सुखदेव गोस्वामी जन्म हुए, बोले श्री सुखदेव ही अभी भी उनका संस्कार नहीं हुआ, उपाय नहीं लगी, ब्रह्मज्ञानी बन करके चले गए। प्यास तो पीछे पीछे हा पुत्र करते करते जा रहे थे, प्रतिध्वनि आ रहा था हा पुत्र, बोले कौन किसका बेटा और कौन किसका पिता है, संसार सब जुड़े हैं। इसलिए श्री सुखदेव सुत गोस्वामी कहते हैं हे सौमकादि ऋषि हो, कहते मेरे जो गुरुदेव है वो सारे लता पताओं में भी विद्यमान है, जब सब जीव में मेरे गुरु जी विद्यमान, गुरु जी मेरे हृदय में भी विद्यमान हो करके सौनकादि ऋषियों ने जो प्रश्न किए है जैसे उसका मैं सही सही उत्तर दे सकूं। इनका पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे मिले, देखो ये करोड़ रुपया की प्रश्न है, आप बताओ जीवन में हम जो कुछ करते किसके लिए करते, शांति सुख शांति के लिए करते, सब कुछ शांति सुख के लिए करते, लेकिन हो जाता है उल्टा, वो हो जाता है उल्टा। इसलिए इनका प्रश्न है अगर हमारे पास में करोड़ों करोड़ों रुपया है लेकिन घर में शांति सुख नहीं, वो पैसा की कोई कीमत है, घर में दुनिया गाड़ी मकान दुकान सब बढ़िया लेकिन शांति नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। अगर दो सुख है रोटी में अगर शांति मिलती है ना, सबसे कीमती चीज है शांति, इसलिए जो शांति है जीवन का यही लक्ष्य है। इसलिए इनका प्रश्न शांति मिलेगी ये करोड़ रुपया के प्रश्न, इसका उत्तर श्री सुत गोस्वामी देते हैं, बोले सबई पुरुषांग करो धर्म जत भक्ति रघुसने आहाय तुमी अप्रतिहता जया आत्मा सम प्रसीद, बोले आत्मा को तभी पूर्ण रूप में शांति तभी मिलेगा, बोले कब मिलेगा जब ये जीव भगवान की आराधना करेगा, भगवान कृष्ण की जब आराधना करेगा जीव तभी जीव को शांति मिलेगी। दूसरे देवाधिन को उपासना के बाद यहाँ नहीं बताया, क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहले ये चीज को समझो, पहले ये समझो हम कौन है। जैसे आप किसी ऑफिस में काम करने जाओ सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा, भैया आपका क्या क्वालिफिकेशन, आपने सीए किया ना इंजीनियरिंग किया ना डॉक्टरी किया, सबसे पहले ये पूछा जाएगा। जैसे आपने इंजीनियरिंग किया है अगर आपका डॉक्टरी का अगर नौकरी दिया जाए आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे आपने डॉक्टरी किए हो आपको अगर सीए का काम कर दिया जाए आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्यों आपने सीए किया ही। उसी तरह सबसे पहले हमें ये समझना मैं कौन हूँ। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, उनका एक भक्त थे श्री सनातन गोस्वामी, इसलिए उन्होंने महाप्रभु को उन्होंने दो प्रश्न किया था। पहला प्रश्न था के आमी, मतलब मैं कौन हूँ। दूसरी प्रश्न थी जगत में कोई भी दुख को निमंत्रण नहीं देते, अब बताओ घर में कोई
धूप को कोई निमंत्रण देते हो, लेकिन वो बगैर निमंत्रण के आता ही नहीं, बगैर निमंत्रण के आता ही नहीं। इसलिए बोले भैया हम तो कोई धूप चाहते ही नहीं, बगैर निमंत्रण के ये धूप हमें क्यों आना है? उन्होंने ये दो प्रश्न किए। तब इसका उत्तर स्वयं भगवान कहते हैं, बोले जीवे स्वरूप है कृष्ण प्रकाश। हम कौन है? हम भगवान की संतान है, जिसको कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, पिता अहम अस्य जगत धाता माता पिता, ये विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं हूँ। इसलिए कहते ना तुम्हें माता च, बोले जोर से तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या द्रविण, तुम्हें सर्वम। इसलिए विद्या नाम ही जगन्नाथ, जो जगत का नाथ है, यही जगत का नाथ, यही हमारी असली पिता माता भाई। इसलिए यहाँ पर कहते सभी पुरुषां परो धर्म, जगत में अलग अलग धर्म है, देश धर्म है, जाति धर्म है, पिता माता धर्म है, पुत्र धर्म, जगत में बहुत तरह का धर्म है, लेकिन ये सारे धर्म में कहते जीव का सर्वश्रेष्ठ धर्म किया है, परम धर्म किया है। कहते हैं जब तो भक्ति रथक सजे, अधक सज जो भगवान कृष्ण, उनको प्रेम करना, इनको भक्ति करना, जीव का यही सर्वश्रेष्ठ यही धर्म है। इसलिए भगवान को प्रेम कर, भगवान की भक्ति कर, क्यों? हम उनकी बच्चे हैं। हम बोलेंगे हम तो भक्ति कर ही रहे हैं, बताओ जगत में कौन भक्ति नहीं करता? दुनिया भक्ति करता है, पर ये शांति सुख क्यों नहीं मिलता? फिर भक्ति कैसे करनी चाहिए? उनने दो बात उन्होंने बताई, बोले एक अहे दुखी और एक अप्रतिहता। ये भक्ति दो तरह से करना पड़ेगा। अहे दुखी मतलब है भक्ति में कोई कामना वासना नहीं, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। जैसे कल सुन रहे थे ना, जैसे भगवान राम जब हनुमान जी से पूछे बेटा पर मांगो, हनुमान जी क्या बोले? बोले बार बार पर मांगो भक्ति भक्ति दो, संतों का संग दो, आपकी चरण की सेवा हमें प्रदान करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगती सका। हे प्रभु, हमें संसार का धन दौलत पुत्र परिवार हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण की हमें भक्ति चाहिए। जब भगवान की चरण की भक्ति मिल जाएगा, सब कुछ जीवन में उसको सब कुछ मिल जाएगी। जब भगवान उसको पूरे संतुष्ट हो गए, ठाकुर ही मिल गए। देखो हनुमान जी को, देखो हनुमान प्रभु का भक्ति मिलते ही सारा दुनिया में जिनकी पूजा हो रही है और सारा दुनिया को नीति सिद्धि वैभव सब कुछ लुटा रहे इसके हनुमान ने। इसलिए भक्ति जैसे धन जगत में कुछ है ही नहीं। यदि भक्ति अनुपायिनी, और भक्ति कैसे होनी चाहिए? निरंतर जमय। निरंतर जमय मतलब क्या? जैसे शहद है ना, जैसे शहद को ऐसे डालोगे, देखो उसमें एक धागा बन जाता है, उसमें पूरा एक धागा बन जाती है। भक्ति ऐसे होनी चाहिए, उसमें बीच में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये भक्ति निरंतर जमी हो, 24 घंटा में 24 घंटा प्रभु की चरण में ही मन लग रहे। आप बोलोगे हम थोड़े साधु संत हैं, जब दिन भर हम माला लेकर बैठे घर में, अब अगर दिन भर थोड़ी माला लेकर बैठ गए बैठ रहे, हम थोड़े साधु संत हैं, दिन भर भजन करेंगे तो अरे हमारे घर गृहस्थी कैसे चलेगा? काम तो करना पड़ेगा ना, हमें काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहते भैया दिन भर में माला लेने का जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जैसे गोपियाँ, गोपियाँ त्यागी संत थोड़ी थी, वो घर में रहती, लेकिन घर में जो कुछ करती थी अपना हाथों में घर में झाड़ू लगाती हैं, लेकिन मुँह में क्या बोलती थी? बोले गोविंद दामो शरमाधवे गोविंद दामो शरमाधवे गोविंद दामो
बहुत थप थप लगा के सुना रही है, क्या गा रही है? गोविंद दामोदर धर्माधमे। अभी हर काम में रोजरी बना रही है, काम कर रही है, हाथों में तो काम करती है, काम नहीं सेवा करती है, लेकिन मुंह में क्या कर रहे हैं? भगवान के नाम ले रहे, मुंह में ठाकुर जी की नाम ले रहे हैं। इसलिए ठीक वर माला लेने का जरूरत नहीं, जो कुछ वर ठाकुर को सेवा मान कर करो, हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम लिया करो। इसलिए कहते भक्ति निरंतर जमय होनी चाहिए। अगर ऐसे भक्ति करोगे तो आत्मा को परम शांति, आत्मा को परम सुख, आत्मा को परम शांति की प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। इसलिए बाबा जी बीच में तो खड़े हो जाते हैं, मैं भी जाओ। हरे कृष्ण। इसलिए जो दूसरा प्रश्न था, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, कलयुग में भगवत प्राप्ति की सबसे सरल उपाय क्या है, जिसको श्री सुत गोस्वामी कहते हैं, बोले एतद् विद्यमानानां इच्छताम् अभूतमयम् योगिनां नृपनिर्मित हरे नामानुकृत। बोले कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल उपाय बताया क्या? बोले बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल भगवान के नाम जप करो, ठाकुर जी की नाम ही जप करो। एक बार हाथ उठाकर सबके से बोलो, बोले हरे कृष्ण, सबके सब बोलो जोर से, कृष्ण कृष्ण हरे 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 शंकर जी पार्वती को गोद में लेकर बैठे हुए और ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे हैं।
तभी ये चित्रकूट महाराज की तरह प्रोटीन करती है। बोले भैया आप पत्नी को तो एकांत में लेकर क्रोध में कोई बैठना है और भरी सभा में ऋषियों को उपदेश दे रहे हो। पत्नी में माता पार्वती को क्रोध आया और उन्होंने अभिशाप दिया। बोले जा तो राक्षस जन्म में जाओगे। फिर उनको पित्रास को जन्म में राक्षस जन्म में जाना पड़ा। फिर शंकर जी क्यों गोद में बैठ कर बैठे? कारण क्या? इसका कारण बताए, अगर कोई प्रभु राम का कोई कृष्ण का नाम लेता है ना, शंकर जी दूर से उनको प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति प्रभु का नाम जप करते हैं, लेकिन फिर पार्वती को गोद में क्यों बैठे? दिन रात पार्वती, दिन रात भगवान राम की सुमेरी सब बोलेंगे तो बात नहीं बनी।
ये साधु तो नहीं बनेगा, कोई साधु नहीं बनेगा कि चोर बनोगे, साधु तो बनोगे ना चोर बनोगे। इसलिए देखो ये तीन वाले माला लेकर बैठे ना, देखो यहाँ पर सब माला लेकर सब तीन वाले। इसलिए कम जिसका दिल कमजोर है ना, नाम नहीं जब कर सकता है, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, माला जब करेंगे तो हाँ बोले तो साधु तो नहीं बनेगा, बाबा तो नहीं बनेगा। नहीं देखो मीरा भाई ने प्रभु का नाम जब दुनिया में पूजा हो रही थी, विभीषण ने पूजा की है, इसलिए सारा दुनिया में पूजा हो रही थी, लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया, जैसे रावण ने विरोध किया, अभी भी उसका पुतला फूलते उसने भगवान की राम की भक्ति में विरोध किया, अभी उसका पुत्र बोला जाते हैं। ये कंस ने विरोध किया कृष्ण भक्ति की, अभी उसका पुत्र बना सकते हैं। इसका मतलब है जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, सारा दुनिया में उनकी पूजा होती रहती है, और जो विरोध करेंगे ना, जब तक दुनिया रहेगा उसकी बदनामी होती रहती है। इसलिए कहते इतरत निर्विद्य माना नाम इच्छताम अपूत भय, भगवान के नाम कौन जप करते हैं, मतलब अपूत भय। अगर जीवन में अभय पाना चाहते हो, जीवन में सुख शांति पाना चाहते हो, क्या करो, भगवान का नाम जप करो। और जो भी नाम नृप हरि नामान कीर्तन, जितने वेद पुराण उपनिषद जितने संत लोग सबके सब मिल करके एक ही बात बताए, अगर जीवन में शांति सुख अगर जीवन में पाना चाहते हो, क्या करो, भगवान की नाम ही जप करो, भगवान की भक्ति ही करो जीवन में। इसलिए एक बार हाथ खड़े हुआ बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 दूसरा व्यक्ति, तो ये चीज को अच्छा तरह समझ लो।
पहला व्यक्ति तो दर्शन किया वापस आ गया, दूसरा व्यक्ति दर्शन देखा भी आपको, वो पास में गया स्पर्श भी किया सुन रहा देखा तो पता हुआ बड़ा सुंदर थी, वो वापस आ गया। उन्होंने तीसरे व्यक्ति को भेजा भैया तू देख कर क्या, तीसरा व्यक्ति जाकर के देखा स्पर्श भी किया सुंगा भी है, ये 5 किलो पांच किलो आम लाया ठंडा पानी में भिगवाया, उसको बाद में उसको अमोनिया करके जगन्नाथ जी को तुलसी पत्ते से भोग लगाया, जब उन्होंने वो आम को खाया देखा बड़ा मीठा है बड़ा स्वादिष्ट है। राजा ने पूछा भैया तुमने आम देखा हो, बोले महाराज मैंने तुम खरीद करके लाया और खाया आम बड़ा मीठा है। देखो ये आम तीनों को तो मिला लेकिन मिलने पर क्या बराबर मिला है, बोलो क्या उनको बराबर मिला है, नहीं। यही चीज को समझो, कहते जो केवल वो आम को दूर से देख करके आ गया वो कौन है, बोले वो ज्ञानी है, जो कि भगवान को दूर से एक निराकार निर्विशेष निर्लिप्त रूप में केवल दूर से देखते हैं, बोले वो क्या है, बोले कि ज्योति है, एक ज्योति है बस समाप्त हो गई और कुछ नहीं, वो ज्ञानी। लेकिन जो थोड़ा पास में गया स्पर्शक और सुंदा बोले वो कौन है, बोले ज्योति, बोले वो क्या करता है, बोले अपना हृदय में ये अकुष्ट परिमाण जो परमात्मा को केवल ध्यान करता है और कुछ नहीं, इतना ही मिलता है और ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जो लास्ट में जो गया देखा भी स्पर्श भी किया सुंदा और आम को लेकर के आया और ठाकुर को भोग लगा कर खाया, बोले ये कौन है, बोले भक्त, ये कौन है भक्त है जो सख्यात रूप में जैसे हनुमत लाल जी राम को क्या करते हैं, कहीं जरूरत पड़े ना कंधे पर बैठा कर ले चलते हैं, अगर प्रभु राम कहीं बैठे हुए हो अपना पूछ से उनको छाया कर देते हैं, भगवान राम जब विश्राम करते हैं हनुमान जाकर चरण की सेवा करते हैं, जैसे गोपियां सेवा करती हैं, जैसे श्री तुलसीदास जी सेवा करते हैं। इसलिए यहाँ पर बताया यद्यपि वो एक ही भगवान है लेकिन वो पूर्ण रूप में किसको मिलता है, भक्त को ही मिलता है। इसलिए आप लोग कभी नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहते योगी का भगवान, किसका भगवान है, बोलो जोर से भक्त का ही भगवान है। इसलिए उनका एक नाम है श्री भक्त वत्सल, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। इसलिए सूरदास जी एक बड़े सुंदर भजन लिखे क्या भजन का सबसे ऊंची सबसे सबसे
बता रहे हैं, मतलब भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के क्या भक्त के लिए नहीं करते हैं। मतलब दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हरनाई, वो नाई था, लेकिन इधर तक नाई का वो क्या करता था, रोज रोज दुर्योधन को औरत क्रिया करना, उसको शरीर में तेल लगाना, उसको स्नान करना, उसको यही काम था। लेकिन दूसरे तरफ में बड़े संत से भी कोई संत आ जाए तो जरूर सेवा करता था। एक दिन क्या हुआ, जिस समय में वो जाएगा दुर्योधन की सेवा करने के लिए, ठीक उसी समय में घर में संत आ गया। वो तो बड़े दुविधा में पड़ गए, अभी क्या करनी चाहिए। अगर दुर्योधन की सेवा करने के लिए जाए और ये संत सेवा छूटेगा, अगर संतों की सेवा कर तो दुर्योधन की सेवा छूटेगा। हो सकता है दुर्योधन बड़ा दुष्ट, वो कुछ दंड भी दे सकता है, फिर नौकरी भी जा सकती है। उसने देखा ये दुष्ट का तो सेवा करता रहता हूँ, लेकिन संत सेवा सहज नहीं करता, क्योंकि भगवान का निवास कहाँ है। ठाकुर स्वयं कहते हैं, साधव हृदय मुझम, साधु नाम हृदय तुम, मैं केवल संतों का हृदय में निवास करता हूँ। अगर कोई मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, मेरे शुद्ध संतों को खुश कर दे, मैं अपने आप खुश हो जाऊं, कृष्ण खुश दे। उसने देखा जो होगा देखा जाएगा, आज हम संतों की सेवा करते हैं। बड़े सुंदर संतों के लिए उन्होंने रोटी सब्जी बढ़िया बढ़िया चकाचक भोजन बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए और संतों को उनने सेवा की। लेकिन जब संतों की सेवा कर रहे थे इधर में, ठाकुर जी को चिंता लगती, बोले तो मेरे भक्त सेवा में लग गया, अगर टाइम में नहीं जाएगा तो इसका नौकरी जाएगी, फिर दुष्ट कुछ दंड दे सकता है। कृष्णा की हरनाई का रूप धारण करते हुए पहुंच गए उसको घर, पहुंच करके ठाकुर जी स्वयं दुर्योधन के शरीर की शरीर में तेल लगाने लगते। इतने में दुर्योधन ने कहा, भैया क्या बात, तेरे हाथ में आज कोई जादू है ना क्या, तो शरीर को स्पर्श करते ही मेरे रोग रोग खिल रहा है और आंखों से आंसुओं की झरी बहने लगता है, क्यों, कौन प्यार कौन दबा रही है। स्वयं आनंद करते रस स्वरूप श्री भगवान जगन्नाथ स्वयं की चरण सेवा कर रहे हैं। दुर्योधन इतना प्रसन्न हो गया, आज जीवन में आनंद जो मिला ऐसे आनंद जीवन में कभी नहीं मिला। वो प्रसन्न होकर के उसकी गले में जो माला थी, मोती की माला उसने हरनाई को गला में पहुंचा दिया। वो हरनाई गए नहीं, वो स्वयं ठाकुर जी, लेकिन वो गला जो माला अपने आप हरनाई के गले में आ गई। इधर ही हरनाई संतों की सेवा करते हुए जब श्री दुर्योधन के पास में पहुंचा, सोचा हो ना हो कि मेरे को कुछ दंड दे सकता है, बोले आज मेरी देर हो गई, घर में कुछ साधु लोग आ गए थे, मैं टाइम से नहीं आ पाया, माफ कर देना। बोले क्यों, तो आज इतने सेवा इतना सेवा की, कभी मेरे को इतना आनंद कभी मिलता नहीं था, आज तुम्हारी सेवा में जो आनंद मिला। बोले नहीं, मैं तो आ ही नहीं पाया। इतने में दुर्योधन को तो बड़ा क्रोध आया, बोले ओ तेरे को मैंने ये मोती की माला दे दिया ना, इसलिए तेरा अंदर में घमंड आ गया है, और उसको गले में जो हार था दुर्योधन ने पकड़ करके छीन लिया। जब छीन लिया, हरनाई ने देखा, भैया मेरे गले में ये माला कहाँ से आ गया, मेरे गले में कोई माला पड़ा ही नहीं। लेकिन वो तो साफ भक्त था, वो समझ गया, भैया आज मैंने संतों की मैंने सेवा की है, इसलिए ठाकुर जी स्वयं आकर के मेरे रूप धारण करते हुए इनकी सेवा की, इसलिए ये बोल रहा है आज मेरे को जितने आनंद आया उतना आनंद भाई मेरे को आया ही नहीं। वो समझ गया, तब से उसने बोला मेरी वजह से ठाकुर जी को ये दुष्टों की सेवा करनी पड़ गया। उसी दिन से उन्होंने उसकी नौकरी को उन्होंने छोड़ दी। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, वन गए हर नारी असत से पूछी प्रेम सगाई। भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के भक्त लोगों के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते हैं। ठाकुर जी सब कुछ भक्त लोगों के लिए करते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राम। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्य। कहते ऐसे जो भगवान है ये युग युग में अवतीर्ण होकर के
दुष्टों को विनाश करते हैं और संतों को पालन करते हैं। इसलिए भागवत में सभी से अवतार की कथा है। पहला जो अवतार है ठाकुर जी की, ये चतुष्क रूप में आए, ये ब्रह्मा का प्रथम पुत्र है, ये मानस पुत्र है, इनका जीवन कृष्ण कथा मात्र के जीवन है। दिन रात प्रभु की कीर्तन भजन में कथा में डूबे हुए रहते हैं। इसके इनके उम्र कभी परिवर्तन नहीं होता, वो 5 साल के हर्ष में रहते हैं। और ठाकुर जी का जो दूसरा अवतार है भगवान बराह रूप में अवतीर्ण हुए। देखो बोले शाम का समय में 4 काम नहीं करनी चाहिए। कितना काम नहीं करनी चाहिए बोलो? 4 काम नहीं करनी चाहिए। बोले भैया वो 4 काम क्या है? बोले पहला काम है शाम का समय में भोजन नहीं करनी चाहिए। अगर भोजन करोगे फिर आपका जो उदर का जो पेट का रोग कभी सही नहीं होगा। दूसरा काम है शाम का समय में कभी भी पढ़नी नहीं चाहिए, जो कुछ पढ़ो तो भूल जाओ। तीसरा काम है शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए, अगर सो बिना घर में दरिद्रता है, कभी घर में लक्ष्मी कभी बढ़ेगी, लक्ष्मी चली जाएगी। और चौथा काम है कभी भी पत्नी को साथ में सहवास नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान बराह रूप में क्यों आए? इसलिए उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए आए। मतलब एक समय श्री कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, एक दीति और एक अदिति। एक समय ये दीति ने बड़ी सुंदर उसने श्रृंगार किया, श्रृंगार करते हुए और अपना रूप को जब शीशा के सामने खड़ी होकर के देखी, उधर राजकुमार थी, इतने सुंदर थी, अपना श्रृंगार करते हुए काम में वो एकदम पागलिनी हो गई। उसने कश्यप ऋषि से मिलने के लिए प्रार्थना की। कश्यप ऋषि ने कहा देखो दीदी ये समय सही नहीं है, ठीक शाम का समय में शंकर जी अपना भूत पिशाच को साथ में घूमते हैं, इसलिए नियम है सब शाम का समय में ठाकुर को पूजा सेवा घर में दिया देनी चाहिए, इसी समय नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन वो कितने काम में आतुर हो गई थी, उसने जोर जबरदस्ती पति को साथ में लिया। बाद में कश्यप जी ने कहा दीदी तुमने अच्छी काम नहीं की, तेरे पेट में राक्षस को जन्म ग्रहण करे, राक्षस बच्चे तेरे पेट में जन्म ग्रहण करेंगे। वो बड़ी दुखी हो गई, बोले मेरे माफ कर दो, मैं कामातुर हो गई थी, मेरे अपराध को माफ कर दो। उन्होंने कहा देखो गलती तक की लेकिन तुमने माफी मांगी, लेकिन बेटे तो तेरे राक्षस बनी गई, लेकिन पर बेटा का जो बेटा है ना भक्त रूप में आया, इसलिए हिरण्यकश्यप का बेटा श्री प्रह्लाद रूप में आए और भगवान नरसिंह बन करके उन्होंने हिरण्यकश्यप को वध किए और उन्होंने प्रह्लाद को रक्षा किए। इसलिए कभी ये कभी भगवान बराह रूप में ठाकुर जी ये हिरण्याक्ष को वध किए बराह रूप में। भगवान की जो चौथा तीसरा जो अवतार है ये नारद ऋषि रूप में आए। आप सब नारद ऋषि का नाम जानते हो, लेकिन जगत में नारद जी का नाम बड़ा बदनाम है। हम कहते हैं ना भैया तू क्या नारद जी का काम कर रहे हो, मतलब क्या क्या झगड़ा लगा रहे? बोले ऐसे नहीं, इनका नाम ही नारद। नारद मतलब क्या है? बोले नर मतलब होता है रस, द मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, सबको जो ज्ञान प्रदान करते हैं, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है खंडयती। जब तक नारद जी का कृपा नहीं होगा ना किसको भक्ति नहीं है। इसलिए विशेष करके भी 4 चले हुए, एक ध्रुव और एक प्रह्लाद, ये जो बालक दो हुए और ऐसे 2 चले हुए जो 5 साल उम्र में ही भगवत प्राप्ति हो गए, ऐसे नारद की कृपा हुई। और इनको 2 वृद्ध चले हुए, बोले कौन? बोले एक वाल्मीकि और एक व्यास। ये वाल्मीकि पहले 10 रत्न ना करता, बड़ा दुष्ट था, इतने ब्राह्मण को उसने हत्या की, उनकी जने से कुआ भर दिया था। जब से नारद जी की भेंट हुई बोले बाबा निकालो तेरे पास में क्या माल पानी निकालो। बोले भैया हम दसंते हैं, हमारे पास में तो लोटे सोटे लगुटे और कुछ है ही नहीं। बोले जो कुछ निकालो। बोले तुम ये बताओ तू ये जो पाप कर्म करके जो अर्थ उपार्जन कर रहे हो इसका पाप कौन ले? बोले मेरी बीवी, बोले मेरे बच्चे, पिता माता। बोले देख बेटा ध्यान देख सुन, इसको कोई के सब तेरे सुख का समय में साथ दे रहे, दुख में कोई भी साथ देने वाला नहीं। क्या कुछ करता कुछ नहीं गया अपना पत्नी से? बोले ये जो पाप कर्म करके पैसा कमाता हूँ
तो इसकी दिशा लोगे की नहीं बल्कि घर का मेरी और बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते हो। अपना बच्चों से पूछे बोले आपका कर्तव्य है हम लोगों को अर्थोपार्जन करके बड़ा बनाना, जब हम बड़े बन जाएंगे फिर पैसा हम कैसे कमा के बना देंगे, अभी आप कैसे कमा रहे हमें किसी को पता नहीं। फिर पिता माता जी से पूछे बोले तेरे को हमने जन्म दिया लिखाया पढ़ाया इतना बड़ा क्यों किया, पैसा हमने कैसे कमाई ये हमें पता है, तू कैसे कमा रहे हमें पता नहीं। बोले भैया नारद तो सही बता रहा था, ये सब के सब सुख में साथ दे रहे हैं, ये तो कोई भी दुख में साथ देने वाला है ही नहीं, बाबा सही बता रहे। फिर वापस आए आज अगर नारद जी के चरण में गिर पड़ गए बाबा आप सही बता रहे हो, ये दुनिया बड़ा विचित्र है। बोले कि आप कैसे हो, बोले जब तुम्हें जेब में पैसा है और पैसा खत्म है, बोले आप कैसे नहीं तुम कौन हो, तुम आप नहीं बल तुम कौन हो, इसलिए ये दुनिया तो बड़ा विचित्र है। कहो बताओ हमने तो बड़े पाप कर्म करके पैसा कमाया, अब इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। बोले बोलो राम, बोलो बोला जोर से बोला हाँ। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला, नाम ही नहीं निकलता, इसलिए पापियों को मुंह से ना ठाकुर का नाम नहीं निकलता है। इसलिए भगवान कपिल देव अपने माँ को कहते बोले माँ ये ठाकुर का नाम कौन ले सकता है। देखो भगवान खुद कहते बोले अहो बत सपोच अतो गरियान चत क्यूहार बरतते नाम तुम्हें, भगवान कह रहे अहो, अहो मतलब होता है अगर जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं ठाकुर जी कहते अहो, अहो मतलब जैसे कोई आश्चर्य चीज हम देखते हैं ना हमें आश्चर्य हो जाता ना, क्या आश्चर्य है क्या आश्चर्य है, इसलिए भगवान कहते बोले माँ जो व्यक्ति ठाकुर का नाम लेते हैं अहो बोले जगत में बड़ी पुण्यात्मा। अहो बत सपोच, सपोच मतलब चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाने वाले कहते अगर चंडाल भी भगवत नाम को ग्रहण करना है फिर क्या समझनी चाहिए। बोले ये समझो ये पूर्व जन्म में उसने चार काम कर डाला है तभी इसी जीवन में ठाकुर का नाम ले रहा है। बोले वो चार काम क्या है, बोले पहला काम है ये पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, कहते पृथ्वी में कितना तीर्थ है, बोले 6 अरब तीर्थ है, शास्त्र के 6 अरब तीर्थ पृथ्वी में, बोले सारे तीर्थ पहले पूर्व जन्म में कर चुका है। बोले दूसरा क्या, बोले जितने दान है बड़े से बड़े दान, स्कूल खोलना हॉस्पिटल खोलना है इसलिए अर्ण नक्षत्र खोलना पृथ्वी में जितने बड़े से बड़े दान है वो पूर्व जन्म में कर चुका है। बोले तीसरा काम किया, बोले पिछले जन्म में उसने सारे तपस्या करके आए, और चौथा काम है पूर्व जन्म में सारे यज्ञ करके आया है तभी इसी जीवन में उसको नाम है। बोले जिह्वाग्रे, जिह्वाग्रे मतलब संपूर्ण जिह्वा में नहीं, अगर जिह्वा के अग्र देश में अगर वो प्रभु का नाम ले रहा है, बोले माँ समझो वो बड़ी पुण्यात्मा बड़ी सौभाग्यवान जो ठाकुर का नाम जप कर लेगा, इसलिए आप लोग बड़े भाग्यवान हो जो कथा भी सुनते हो और ठाकुर का नाम भी लेते हो। एक बार हाथ उठा कर बोलो सबके सब बोलो बोले हरे कृष्ण जोर करके कृष्ण कृष्ण हरे 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 बता सकते हो मैंने कल क्या बताया था, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, हाँ बोलो कौन बोलेगा, बोलो शर्मा देवी बोलो, जो भगवान के नाम लेते हैं कि हमारे संत रूप गोस्वामी कहते हैं नाम लेने का साथ साथ उसका 3 का काम याद हो जाता है, बोलो कौन बोलेगा। हे भगवान कल मैंने सुनाया आज सुन, देखो ध्यान देकर सुनो एक सम कथा कैसे सुननी चाहिए। एक समय एक व्यक्ति एक दुकान में मूर्ति खरीदने गया, देखा 3 मूर्ति वहां पर,
उसने पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है? बोले जो पहला नंबर मूर्ति इसका कीमत 100 रुपया, बोले दूसरा नंबर बोले इसका कीमत 500 रुपया, बोले तीसरा नंबर बोले 5000। बोले क्यों? ये तीनों मूर्ति तो देखने में बराबर है, पर इतना फर्क क्यों है? बोले अगर तुम फर्क समझना चाहते हो 3 गिलास पानी लेकर के आओ, अभी मैं समझाता हूँ। अभी जो पहला नंबर मूर्ति था, जब उसको कानों में पानी डाला है ना, वो जिधर डाला उधर से निकल कर आता है। बोले इसका कीमत 100 रुपया, बोले मतलब क्या? बोले जो सुनता है ना, वो जिधर सुनता है उधर निकल देता है। अभी जो दूसरा मूर्ति उसका कीमत था 500 रुपया, जब एक कान में डाला वो सीधा दूसरे कान में निकल गया। बोले ये तो सुनता है लेकिन इधर सुनकर इधर वो निकाल देता है, इसलिए इसका कीमत 500 रुपया। जो तीसरा मूर्ति जो थी, जब उसको कान में पानी डाला एक बूंद बाहर नहीं निकला, पूरा का पूरा अंदर में चला गया, बोले इसका कीमत है 5000। इसलिए हमें जो श्रोता है ना, कितना रुपया की श्रोता होनी चाहिए? 5000, ठीक है ना? इसलिए 100 और 5 नहीं। देखो यहाँ पर आते हैं, कथा सुनते हो, ठीक है ना, कथा सुनते हो, ऐसे नहीं कथा को यहीं छोड़ करके जाओ, नहीं, जो कथा सुनते हो घर में भी जाओ, बच्चों को भी सुनाओ, पत्नी को भी सुनाओ, परिवार को भी सुनाओ, जिनको सुनाओगे उनका भी कल्याण होगा, उनका भी उद्धार होगा। इसलिए कथा को यहीं छोड़ कर मत जाओ, कथा को अपना साथ में लेकर के जाओ। देखो श्री सुखदेव गोस्वामी जब कथा सुनाए, ये 7 दिन में परीक्षित को मुक्ति क्यों मिली? उन्होंने 5000 रुपया की श्रोता बनी, जो सुने अपना जीवन में उतारे, और दूसरा बात में भी अपना मैया को सारी उन्होंने कथा सुनाई, सारी कथा उन्होंने सुनाई। इसलिए हाँ बोलो, अभी माता ही बोलो तो 3 कप क्या होता है? कम से कम एक एक बात बोलो, बोलो जोर से। देखो फिर मैं बोलता हूँ, कल फिर पूछूंगा। कि जो भगवान का नाम लेते ही जम महाराज चित्रगुप्त को बुलाता है। चित्रगुप्त कौन है? सारे हमारी 3 रात में जो कुछ कर रहे हैं वो सारे बात को जो लिखते हैं प्राय, वो चित्रगुप्त है। चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब छुपा करके। हम जो कुछ करते हैं सारे अपने आप रिकॉर्डिंग हो रहा है, अपने आप रिकॉर्डिंग हो रहा है। मरने का बाद सबके सब निकलता है, देखना एक पिता उसको 5 बेटे 5 बच्चे, सबका नेचर अलग है, सबका नेचर एक नहीं, सबका चेहरा भी अलग है। एक बच्चा तो इतने पैसा कमाता है जो सोच भी नहीं सकते, और एक बच्चे को देखना रोटी वो 1 पैसा भी नहीं कमा पाता है। बोले क्यों? बोले जन्म पिता ने दिया लेकिन कर्म अपना लेकर क्या है, कर्म हम अपना लेकर क्या है। इसलिए जब महाराज चित्रगुप्त को बुला कर कहते हैं रजिस्टर ले आओ और इसका नाम को यहाँ से काट दो। बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति अभी भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, ठाकुर जी की नाम ले रहा है, अभी वो कभी नरक नहीं आया। दूसरा काम किया, बोले वृंदावन में राधा रानी अपना सखी को कहती है, बोले सखी रजिस्टर ले आ। बोले क्यों? बोले ये व्यक्ति का नाम को यहाँ लिख दो। वो व्यक्ति ठाकुर जी का नाम ले रहा है, कृष्ण नाम ले रहा है, वो अभी नरक नहीं जाएगा, वो सीधा गोलोक वृंदावन आएगा। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला लेकर के सजाना शुरू कर देते। बोले क्यों? बोले वो व्यक्ति भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक पार करते हुए जो भगवत लोक जाएगा, वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाएगा, वो ब्रह्मलोक देखने जाएगा, मैं उसको बीच में आरती उतारूंगा। वो कहते हैं जो भगवान के नाम जप करते हैं इसकी इतने महिमा। इसलिए क्या करनी चाहिए? सवेरे उठो, सवेरे उठ करके जितने हम काम को हम बड़े महत्व देते हैं वो सारे काम को पीछे रखो। सबसे पहले सवेरे उठ करके भगवान की ठाकुर का सेवा पूजा करो और माला लेकर कम से कम कुछ माला चलो, क्योंकि जीवन में जो कुछ कर रहे हो एक भी कोई काम में आने वाले नहीं तुम्हारे। जिंदगी में जो कुछ करते हो सब यहीं छोड़ कर जाना पड़ेगा, और अंतिम समय में क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा जितने तुमने राम और कृष्ण का नाम लिया है ना वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किए झूठे भी बिताए, एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रही है। पत्नी जाएगी रो रो कर दरवाजा तक जाएगी, परिवार शमशान तक जाएंगे, वहीं से सब वापस आएंगे, आगे क्या जाएगी? इसलिए बिया कहती है
तायो जी मैंने राम रतन धर पायो तायो जी मैंने राम रतन धर पायो अपस्तो बोल रहे थे ना ठाकुर तेरे को कुछ दिए ही नहीं
भगवान कितने दयालु हैं, वो भगवान एक एक आंख नहीं, एक एक कान नहीं, वो दो दो दिए। बल्कि अगर किसी तरह से एक आंख एक कान खराब हो जाए, दूसरे कान में हम सुन सकते हैं, दूसरे आंखों से देख सकते हैं। अभी 20-20 आंख, 10-10 20-20 लाख हो गया। बल्कि ये बताओ, तुमने एक हाथ काट करके दे दोगे 20 लाख रुपया में? बोले काम कैसे करूँगा? बोले भगवान दो हाथ करके दिए, अगर एक हाथ में खराब हो गया दूसरा हाथ में काम कर सकते हो। बोले 10-20 लाख में भी तुम एक हाथ नहीं दोगे, अभी दोनों हाथ तक हिसाब लगा। बोले एक टांग तोड़, एक टांग काट कर दे दोगे 50 लाख रुपया देता हूँ, एक टांग काट कर दे दोगे बोले चलूंगा कैसे? बोले तू बोल रहा था ना भगवान तेरे कुछ भी दिए नहीं, अभी हिसाब लगा तो कितना? बोले एक किडनी निकाल कर दे दोगे 50 लाख रुपया में? बोले भैया चिंता कैसे रहेंगे? बोले हिसाब लगा, एक एक चीज को हिसाब लगाएंगे तो ठाकुर जी हमें अरब खरब रुपया की संपत्ति ठाकुर जी हमें दिए हैं। इसलिए ये सूरदास की पद है। आप लोग सब हिंदी समझते हैं ना, देखो सूरदास जी क्या कहते हैं, बोले जिन्नी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरामी मौसम को न कुटिल कलतामी। ये सूरदास की दुआ है। जिन्नी तनु देही ताही बिसराई कैसे नमक हरानी और मौसम कौन कुटिल फलकानी। जिसने हमें सब कुछ दुनिया संसार जो कुछ दिया उसको ही भूल कर बैठ गए, और जिसने कुछ नहीं दिया ना बदनामी लगी उसको पीछे दिखी बर्फ कर। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके सारे काम को पीछे रख करके थोड़ी समय ठाकुर जी को, थोड़ी समय भगवान के लिए गीता पढ़ो, थोड़ा रामायण पढ़ो और माला लेकर के कुछ भगवान के नाम जप कर। क्यों? यही अंतिम समय में जाएगा और इसी से ही हम सुखी हो सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी घर में ये भी नियम बनाओ, बच्चों को भी बोलो तुम लोग भी एक एक माला जप करो, घर में नियम बनाओ, जैसे बच्चे भी एक एक माला जप करें। कल मैं बताया था ना, बच्चों को कभी इतना लिखाई पढ़ाई सिखा देते हैं ना, जब थोड़ी सी ज्यादा लिख पढ़ जाते क्या कहते हैं पिताजी, वो क्या बोलते हैं, बोले तुम क्या जानते हो, तुम तो अनपढ़ आदमी, हम इतने लिखे पढ़े, हमें PhD की, हमने इंजीनियर डॉक्टर की। पिता को अपमान करता है, क्यों? हम उनको रामायण नहीं पढ़ाते, रामायण पढ़ाते तो वो समझता प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पीत गुरु महिमाथा, भगवान सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूते हैं। हम तो ये सब चीज पढ़ाई नहीं, बोले पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इसलिए बच्चों के अंदर में भी संस्कार डालो, इसलिए खुद हरिनाम करो, गीता भागवत पढ़ो और उसको साथ साथ में भी घर में नियम बनाओ। जब तक बच्चे एक माला नहीं करेंगे तब तक बोले नहीं खाना नहीं, पहले एक माला करो। बोले बच्चे बात नहीं सुनते, आप बोलो कि बच्चे बात नहीं सुनते, बोले बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते कि नहीं, बोलो बच्चों को जोर जबरदस्ती स्कूल टाइम पर भेजते कि नहीं? जब भेजते हैं भैया 5 मिनट के लिए उनका भक्ति मार्ग में नहीं चला सकते, इसलिए उनको भी भक्ति की संस्कार डालो। बच्चे भक्ति करके बड़े बन करके जरूर 100% वो पिता माता की सेवा करेंगे ही, आते से पालन करेगा। क्यों? उसको अंदर में बचपन में संस्कार डाले हुआ, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 नहीं। बोले तो फिर ये कृष्ण कौन है? बोले ये अवतार है,
अवतारी का मतलब क्या है, बोले जिनसे ये सारे अवतार आए। इसलिए कवि जयदेव गीत गोविंद में बड़े सुंदर कि जगन्नाथ जी को बड़ा प्रिय भजन है, बोले प्रलयो पयो जले धीतम कारणासी वेदम बेटा बही त्रजा बेटा मदेदा के सब धीता मीना सहीरा के सब धीता मीना सहीरा
ये आप सब लोगों का कथा है, इसलिए कल जब आओगे कुछ ना कुछ अपना हाथों से लेकर के आना, जैसे कोई टपी हो, चकलेट हो, जैसे खिलौना हो, क्योंकि उसको हम ये नंद महोत्सव में हम उसको लुटाएंगे, ठीक है ना। और जितने भाई लोग हैं, आप लोग बताओ आप क्या पहन करके आओगे? माताएं का साड़ी पहन करके आएगी, आप लोग क्या पहन करके आओगे? हाँ, अगर धोती कुर्ता हो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो ये यही हमारी संस्कृति है। अगर धोती कुर्ता नहीं हो, फिर कोशिश करना कम से कम सफेद रंग के पैजामा और जो कुर्ता है, अगर सफेद रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग सबके सब ब्रजवासियों का भाव से, नंद बाबा की भाव से सबके सब आना। इसलिए कल हम लोग बड़े धूमधाम से यहाँ पर भगवान की नंद महोत्सव मनाएंगे। श्री नंद बाबा की, श्री मैया जसोदा की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री ताऊ भैया की जय जय श्री राम। कच्चा मिट्टी हो, आप उसमें जो कुछ बनाना तो बना सकते हो,
लेकिन अगर मिट्टी जब पक जाए ना फिर कुछ बनेगा, फिर कुछ नहीं बनेगा। जब कागज जो कोरे कागज हो उसको ऊपर में जो लिखेंगे तो स्पष्ट दिखेगा, लेकिन एक बार उसको अगर लिख लो दूसरा बार लिखने पर दो नहीं दिखेगा। नहीं जैसे कि छोटा पौधा एक जगह से उखाड़ करके आप दूसरे जगह लगाओ वो तो जम जाएंगे, लेकिन जिनका जड़ ज्यादा नीचे चला गया उसको उखाड़ करके दूसरे जगह पर लगा वो जमेगा नहीं। जैसे फूल जब खिला हुआ रहता है उसको ठाकुर जी के चरण में हम चढ़ा सकते हैं, लेकिन फूल जब मुरझा जाए तो ठाकुर जी के चरण में चढ़ेगा, वो चढ़ेगा नहीं ठाकुर जी के चरण में। इसलिए बच्चों उसी तरह भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए। हमारे श्री भागवत उड़िया भागवत में बताए बाल्य कालु धर्म धर्मम अर्जिभिः हे जीवन अनिश्चित, उड़िया भजन में हाँ बताए बाल्य कालु मतलब बचपन अवस्था से ही पढ़ाई लिखाई जो कुछ बचपन अवस्था से ही करनी चाहिए, इसलिए बुढ़ापा में नहीं। खैर उन्होंने प्रहलाद ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देकर समझाया बच्चों को, बोले बच्चों तुम कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बोले हाँ, बोले संपूर्ण तुम्हारी जीवन का मैं हिसाब देता हूँ, मानो एक व्यक्ति 100 साल तक जिंदा रहेगा, बोले हाँ, बोले 100 साल में आधा रात और आधा दिन मतलब 50 साल तो सो सो कर गया खत्म, अभी 50 साल बाकी रह गया। बोले जो बचपना 10 साल तक बचपना रहता है बालक समझता नहीं, इसलिए 50 10 कितना हो गया 60 हो गया, 20 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करना है फिर कितना हो गया 75, 50 और 25 75, अभी बच गया 25 साल। बोले 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो जीवन है ताने में सुनाई दे देगा, आंखों में दिखती नहीं, बैठ गए तो उठ नहीं सकते, बैठ गए तो उठ नहीं सकते हैं, उसी समय केवल बीमारी बीमारी से शरीर अपना जीवन बीतती है। इसलिए 20 साल तो ऐसे चली जाती है, बीच में जो 5 साल बीच में रह गई बच्चों को पढ़ाना लिखाना शादी करना, भले 100 साल हो गया 200 साल का प्लानिंग बनाकर बैठे हो, फिर बताओ तो तुम कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बताओ संपूर्ण जीवन का मैंने हिसाब बता दिया, बताओ तो भजन कब करोगे। इसलिए बच्चों क्या करनी चाहिए कौमार आचरित प्राग्यम, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनको 5 साल उम्र से प्रभु भक्ति करनी चाहिए। ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, मीरा को देखो, तुलसीदास जी को देखो, हनुमान जी को देखो, कोई बूढ़े बनकर क्यों भजन किया, सबके सब जवाब इसे किया है, फूल जब खिला हुआ हो उसको हम ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हैं। जैसे देखो आप लोग मानो आप बैठो हम 10 मिनट ठाकुर को हम याद करेंगे, ठाकुर को सामने 10 मिनट के लिए बैठो, आप देखना आप देखना 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा। बोले क्यों, बोले रील में जो भरा हुआ होगा वही तो निकलेगा, रील में जो भरा हुआ होगा तो वही तो निकलेगा ना, रील में तो प्रभु का भक्ति भरा ही नहीं, सारा दुनिया की कीचड़ को भर कर रखती है। तब फिर आप बोलोगे भगवान याद करेगी, करेंगे आएगा कहाँ से, भगवान को जिंदगी याद करते तब तो याद आता। इसलिए बच्चों को पढ़ाई लिखाई कब करवाते हैं, बूढ़े बन करके बचपन से कराते हैं। इसलिए नारद जी ने कहा देखो तुम स्पष्ट रूप में बताओ भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए बुढ़ापा में रिटायर्ड लाइफ में नहीं। और तुमने और एक बात भी बता दी, बोले क्या बताए, बोले बुढ़ापा अंतिम समय में भजन करो। हाँ देखो आपकी छोटी सी कथा सुनाता हूँ ध्यान करके सुनो। एक दिन श्री नारद जी इस मरते जगत में आए, उनने घर घर में गए, सबसे पूछा घर में सब ठीक ठाक है ना, सबके सब तो सिर हिलाए हिलाए, लेकिन जब अंदर की बात उन्होंने पूछा देखा संसार में कोई भी ठीक ठाक नहीं, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बच्चे से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई कारोबार से दुखी, थोड़ा दुखी दुखी। जब नारद जी वैकुंठ गए देखा भगवान अनंत नाग बड़े सैनिक ही हुए, अब मीठे मीठे मुस्कुरा रहे हैं, माँ लक्ष्मी चरण की सेवा कर रहे हैं। इतने में नारद जी ने कहा प्रभु दुनिया का आपने सृष्टि किया और दुनिया दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद ले रहे हो, पर तुम क्या कहना चाहते हो, तो लेकर आ जाओ वैकुंठ में, ये वैकुंठ पूरा खाली पड़ा होगा, कोई है ही नहीं,
कोई आपके लिए चंदन घिसेगा, कोई आपके लिए फूल की माला बनाएगा, कोई आपके लिए रसोई बनाएगा। भगवान ने कहा देखो नारद जी, मैंने चबीस चबीस अवतार लिया है, लेकिन एक व्यक्ति भी आना नहीं चाहता है। देखो बोले प्रभु संसार में इतना दुख कष्ट भोग कर रहे, कोई आना नहीं चाहता। बोले कोई नहीं। बोले प्रभु आप तो बहाना बजना कर रहे हो। बोले मैंने ये ताई थोड़ी दूर गए, देखा है कि माता जी को कुएं से पानी भरते हुए। बोले ये तो जरूर जाएगी। बोले माता जी बेलकुंड चलोगे? बोले बेटा अभी अभी मैंने रोटी बना करके आई हूँ, और कुएं से पानी लेकर के मैं सब्जी बनाऊंगी, फिर परिवार का लोग खाएंगे। बोले तू बेलकुंड चलो, अपना रास्ता देख, हमारे पास में समय नहीं। उनने जिन जिनियों को पूछा है ना, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। तब उन्होंने देखा एक व्यक्ति 80 साल के एक व्यक्ति घर को बाहर बैठा हुआ। बोले ये तो जरूर जाएगा, ये बूढ़ा हो गया ना, अब तो कोई काम धाम नहीं। बोले आपका नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले देखो ठाकुर जी बोले जितने जीव मिले उसको वैकुंठ ले आओ, आप वैकुंठ चलोगे? बोले वैकुंठ जाने का तो इच्छा है, सारे काम तो हो गया, लेकिन जो छोटा बेटा है ना अभी उसकी सगाई हो गई, अभी शादी होने वाला है। बेटा का शादी हो जाएगा तो मैं सीधा वैकुंठ चलूंगा। बोले कब चलोगे? बोले सगाई तो हो गई, कुछ दिन बाद में शादी होगी, फिर तो मैं सीधा वैकुंठ चलूंगा। नारद जी ने देखा अभी तक तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुए। एक व्यक्ति बड़े कष्ट से हाँ भरे, नारद तो पीछे बढ़ गए उसके। कुछ दिन बाद में जब आए, बोले बेटा का शादी हो गया? बोले बाबा इतने बढ़िया घर में बहू आई, बोलने से पहले सारे सेवा कर देती है, हैं सवेरे उठ करके सब चरना छूती है, बढ़िया बहू आई सवेरे उठ करके इतनी सेवा करती है। बोले मेरे वैकुंठ चलो। बोले देखो नारद जी, मैंने सुना अगर बेटे को जन्म देते हैं ना, पुत्र को जन्म देने पर पूत नाम का नरक से उद्धार होता है, लेकिन अगर बेटा का बेटा अगर नाती पोते को देखो, मैंने सुना स्वर्ग जाते हैं। मन में और कोई इच्छा नहीं, वो अभी गर्भवती, कुछ दिन बाद में बच्चा जन्म देगा, बच्चे को देख करके मैं सीधा चलूंगा और कोई काम नहीं। नारद जी बोले ठीक है। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। जब नारद जी आए देखा वो है ही नहीं। बोले पिताजी कहाँ है? बोले पिताजी का तो स्वर्गवास हो गया। बोले हे भगवान, एक चेला बनने वाला था वो भी स्वर्ग सीधा गया, लेकिन वो कहीं नहीं गया होगा, वो इसी संसार में कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा। तब नारद जी ध्यान लगाए, ध्यान लगाए तो देखा घर में कुत्ता बन गया है। क्योंकि देखो ये गीता का श्लोक है, कृष्ण कहते हैं जम जम व्यापी शरण भाव त्यजत अंत कलेवरम तम तम एव पौते सदा तद्भव भावित। बोले हे अर्जुन, अंतिम समय में जीव जैसे सोचते सोचते मरता है ऐसे ही उसको जन्म लेना पड़ता है। देखा ये घर में देखो कुत्ता बनकर घर में आया। नारद जी गए, बोले पहले आ सकते तो कुत्ता बन गया? बोले हाँ गुरु जी कुत्ता बन गया। बोले अभी तो वैकुंठ चल। बोले गुरु जी ये जो बेटा है ना इतना नालायक, अभी इतना चालाक चतुर नहीं, ये जितने जमीनी जगह तो जो देख रहे हैं ना मैंने ही कष्ट करके कमाया, ये रात को सो जाता है, उसको होश आवास रहता नहीं, कौन क्या उठा करके ले जाएगा, इसको मैं रात भर पढ़ा देता हूँ। देखो दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ होता है। आप देखना जो घर में कुत्ता आता है ना वो साधारण कुत्ता नहीं है, आप वो कुत्ता को भगाना कहीं नहीं जाएगा, तभी घूम घर फिर नहीं आएगा, क्योंकि उसी ने ही सब कुछ कमाया कमाया है। एक व्यक्ति का कोई चीज भी छूने नहीं देता। बोले क्यों? मैंने ये सारी चीज मैंने कमाया। बोले फिर तुम कब चलोगे? बोले बच्चा थोड़ा हो ना हो जाए। फिर नारद जी आए तो कुत्ता भी शरीर छोड़ देता है। ध्यान लगाया तो देखा वो घर में बैल बन के आया। बोले कैलाश अभी तो चल, तो अभी बैल बन के आया। बोले गुरु जी ये जितने जमीनी जगह है ना मैंने कष्ट करके कमाया, इसको क्या पता, ये खेती नहीं करता है, छोड़ देता है, इसलिए मेरे को उसको ले करके उत्साह हो गए, उत्साहित होकर के उसको लेकर खेती करवाना पड़ता है, इसलिए गुरु जी ये थोड़ी सी होना हो जाए। जब फिर चले कुछ दिन बाद में आते हैं, वो बैल भी शरीर छोड़ देता है। देखता है आप लोगों को पता होगा पहले पहले लोग मिट्टी के अंदर में सोने चांदी को कलश में रखकर गाड़ देते थे, और उसने ही गाड़ करके रखा था, उसको ही पता मैंने कहाँ पर गाड़ करके रखा। तीसरा जीवन में उसको फिर सर्प बनकर बैठा हुआ,
किसी को वहां जाने नहीं देता है। नारद जी ने देखा जब तक डंडा नहीं पड़ेगा ना ठंडा नहीं होगा, इसका पीछे मैंने 3 जन्म तक घूम भटक गया। उसको बेटे को बुला, बोले बेटा इधर आ, तेरे जो पिता है ना कुछ सोने चांदी को गार कर गए, लेकिन उसको ऊपर में जो जहरीला सर्प बैठा हुआ एक डंडा लेकर के आना, देखो उसको मारना नहीं, उसका कमर कमर तोड़ देना। बेटा तो बड़ा खुश हो गया और मारा एक डंडा अपना पिताजी की कमर में, उसका कमर ही टूट गया। सांप का कमर टूट जाए ना वो भागती पाता है। बोले खोदो, खुदा तो सचमुच से सोने चांदी निकला कलसी को अंदर में, वो जब ले जा रहा था ना उसको पिता तो आग फाड़ फाड़ दे रहा था। बोले क्यों? उन्होंने ही उसको गार कर रखा, आ सकती थी। देखो आप लोग बोलोगे ये सब तो गप्पे हैं, मैं कल आपको एक बढ़िया चीज दिखाऊंगा। हैं, मैंने कथा करने के लिए एक झाड़ग्राम में गया था कथा करने के लिए। जब मैंने वहां कथा कर रहा था एक व्यक्ति ने एक न्यूज पेपर लेकर के आया, बोले बाबा आप जो बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हो। मैंने किया है, बोले बाबा पढ़ो उसको, मैं आपको कल दिखाऊंगा। उसमें एक व्यक्ति का घर का भित्ति खनन कर रहे थे, करते करते फावड़ा से जब मिट्टी खोद रहे थे हठात छन करके आवाज हुई। बोले भैया आवाज कहाँ से आई? देखा तो दो वहां पर पीतल का कलसी दो निकली और उसमें सोने चांदी की मोहर है और उसको ऊपर में दो काला सर्प उसको लपेट करके वो कलसी को ऊपर में बैठे हुए और किसी तरह से वो कलसी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इतने में ये खबर चली गई पुलिस के पास में, इतने पुलिस आ गए, आ करके जो सर्प को पकड़ते हैं उनको बुलाया और पकड़ करके बोरी में भर करके वो सर्प को 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आए। फिर आधा घंटा में देखते ही दोनों सर्प में वही बैठ गए। आपको ये पेपर न्यूज डिटेल्स उसमें दिया, कल आपको मैं दिखाऊंगा, आप लोग देखोगे डिटेल कौन सा गांव कहां पर। ये झूठ बात नहीं, कृष्ण गीता में झूठ कभी नहीं बोली थी, ये गीता की वाणी है। जैसे चिंतन करो तो वैसे ही जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए श्री नारद जी अभी सर्प से बात किया, अभी भजन कर गए। बोले गुरु जी अभी मैं भजन करूंगा, ये बेटे को पीछे मैंने 3 दिन जन्म मैंने बर्बाद कर दिया, ये तो सुधरा नहीं, मैं स्वयं बर्बाद हो गया, सर्प जीवन में मेरे को आना पड़ा। नारद जी उसको ऊपर में मंत्र पुत करके पानी की छिड़काव करवाए, दूसरे जीवन में इंसान बना, फिर नारद जी मंत्र दिए, फिर लेकर के वैकुंठ गए। भगवान क्या क्यों नारद जी कितने लोग को लेकर के आए, बोल रहे थे एक दिन में वैकुंठ को भर दोगे। बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, इसको पीछे तो मैंने 4 जन्म ही थी, 4 जन्म इसको पीछे मैंने घूम गया तभी उसको लेकर के आया। इसलिए श्री नारद माइक को तेज कर दो भैया, इसलिए श्री नारद जी व्यास देव को कहते हैं अभी तुम शुद्ध रूप में ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाओ जिसमें भगवान और उनका भक्त का चरित्र इधर उधर की कोई बात मत करो तभी आपको पूर्ण शांति मिलेगा। तब तो उन्होंने भागवत ग्रंथ बनाए है तो उसको पूर्ण शांति प्राप्त होता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी बोले श्रीमद् भागवत कथा वृंदावकी जय जय श्री राम। और 5 मिनट कथा चाहेंगे उसको बाद में फिर विश्राम करते हैं। जब श्री परीक्षित महाराज एक समय जंगल में भ्रमण करने के लिए गए, इतने जोर से उनको प्यास लग रहा था, छाती फट रहा था, उन्होंने एक ऋषि को पास में पानी मांगने के लिए गए। वो ऋषि सचमुच से भजन कर रहे थे। जब उन्होंने पानी नहीं दिया उनको गले में एक वृद्ध सर्प को डाल दिया, उनके बच्चे को पता चलते उन्होंने अभिशाप दे दिया, बोले जिसने मेरे पिताजी के गले पर मरा हुआ सर्प को डाला सप्तम दिवस में तक्षक दर्शन करेगा। उन्होंने उनको अभिशाप उन्होंने दे दिया उनको। अब श्री परीक्षित महाराज को पता चलते ही उन्होंने सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे में अपना आश्रय ग्रहण किए और श्री सुखदेव गोस्वामी आए और वहीं पर उन्होंने 7 दिन में उन्होंने कथा सुनाई। लेकिन जब एक दिन से परीक्षित महाराज जब राज्य तो कर रहे थे, एक दिन उन्होंने बड़े अपशकुन को देखा, बोले मेरे देश में कहां पर अपशकुन हो रहा है। एक दिन उन्होंने भ्रमण करते करते एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया तो बड़ी दुखी होकर रो रही थी,
देखा है कि बैल का तीन प्यार नहीं, वो एक प्यार में खड़ा हुआ और वो एक प्यार को एक काले लंबे चौड़े एक क्षत्रिय और इसके प्रति रोग रही है। बल्कि जो बैल बल ये धरना तीन चरण कहाँ गया, बोले सत्य तृतीय द्वापर, चार युग में चार चरण की धर्म होता है। अभी तीन युग बीत गया, धर्म का तीन चरण खत्म हो गया, अभी ये धर्म एक चरण को कर्म खड़ा हुआ। बोले ये कली क्या कर रहा है, बोले ये एक चरण को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब कली युग में कोई धर्म कर्म नहीं रहे, लोग सबके सब पाप कर्म करना शुरू कर दे। परीक्षित महाराज बोले जब तक मैं रहूंगा तब तक तुम्हारी कोई स्थान है। कलियुग ने कहा प्रभु पर स्थान दे। अगर हम कलियुग में केवल ये चार नियमों का पालन कर ले और थोड़ी सी भगवान का नाम जप करे ना, हमें ये भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन केवल चार नियमों का पालन करना पड़ेगा। बोले चार नियम क्या है, बोले पहला नंबर दुतम। दुतम मतलब होता है जुआ, कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज सिख्या दिया, देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ लेकिन जीवन में जुआ खेला तो मेरी कितनी सर्वनाश हो गया। राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में पत्नी की वस्त्र हरण देखना पड़ा हमें और हमें 12-13 साल तो जंगल में भटकना पड़ा। अगर कोई जुआ में हाथ देगा ना, बड़ा दुर्गति भोगना पड़ेगा। इसलिए कभी जुआ नहीं खेलनी चाहिए। जुआ खेलने से सत्य नष्ट हो जाएगा। जो जुआ खेलेगा उसको झूठ झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा पानम। पानम का मतलब है किसी तरह का नशीली वस्तु को मत लिया करो, जैसे पान है, बीड़ी, सिगरेट, अफीम, गांजा, भांग, शराब, ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। देखो संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं ना उसको तीन लाभ है। कितना लाभ है, अरे बोलो। मतलब तीन लाभ। पहला लाभ क्या है, बोले पहला लाभ उसको ये है वो बूढ़ा कभी नहीं होगा। बोले दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगी। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते उसका दोस्त बनेंगे। बोले भैया मतलब क्या है, अब चीज को समझो। पहला लाभ है वो बूढ़ा नहीं बनेगा। बोले भैया बूढ़ा कब बनेगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा बनेगा ना, वो पी पा करके आधा उम्र में तो खत्म हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन पहले एक माता जी मेरे पास में हरिनाम लेने के लिए आया था, उसका उम्र 30 साल की, दो बच्चे थे। फिर मैंने पूछा इसकी बच्चे का पिता कहाँ है, बोले शरीर छोड़ दिए। बोले मैंने पूछा भैया कैसे, बोले बहुत ज़्यादा पीते थे वो, बहुत ज़्यादा पीते थे। मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ ज़्यादा ही लड़कियाँ हैं, बूढ़ा तो बहुत कम दिखते हैं, लड़कियाँ हैं। मैंने पूछा भैया इतनी लड़कियाँ बूढ़ा कहाँ हैं, इतने लड़की क्यों। बोले बाबा ये बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, अब पी पी कर आँख फाँख सब खत्म, कम उम्र में सब खत्म, सब कम उम्र में मर जाते हैं। इसलिए पहला लाभ क्या, बोले बूढ़ा नहीं बनोगे, बूढ़ा नहीं बनोगे। दूसरा लाभ क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी कम होगा, घर में कुछ हो तब तो चोरी होगी, तो जो कुछ गहना पहना होगा बेच बाज कर पी पाओगे, खत्म कर देगा, पर चोरी कहाँ से होगी। और तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या, कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा फिर कुत्ते आकर के मुँह में मुँह धोकर चल जाएंगे। इसलिए ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अभी चूक ऐसे हो गया ना, कोई शादी विवाह हो ना, तो बच्चे का कोई बर्थडे हो, अगर शराब मत दो, भले कोई शादी विवाह है तुमने शराब नहीं पी, तुमने शराब नहीं पिलाई। जो बड़े बड़े व्यक्ति आपको पता होगा जो शराब पीते थे पहले, उनको कितनी बुरा मानी जाता, कितने गंदा मानी जाती तुमने। इसलिए ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए। एक ही नशा हो, भगवान की भक्ति की नशा हो, इसी नशा को सेवन करनी चाहिए। कोशिश करना धीरे धीरे ये चीजें से हमारी छूट जाए नशा, और खुद भी मत पियो। देखो अगर आप पिता स्वयं पीते हो, आप कभी बच्चे को शासन कर सकते हो, कभी बच्चे को बोल सकते हो तुम मत पिया करो, कभी बोल सकते हो, आप बोल ही नहीं सकते क्यों, आप स्वयं पीते हो। बच्चों को अगर कोई संस्कार नहीं पड़ेगी, जिस घर का व्यक्ति शराब पीते हैं जाकर घर में देखो कोई सुखी घर में, कोई सुखी पत्नी, सुखी बच्चे, सुखी कोई सुखी नहीं। इसलिए ये सब चीज को कोशिश करनी चाहिए, ये सब चीज को दूर करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कोई नशीली वस्तु मत लिया करो। और तीसरा जो वस्तु है, इसमें इसको लेने से जीव का तपस्या खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति शराब पिएगा
दिमाग सही रहेगा तब तो भक्ति करेगा ना, दिमाग सही नहीं रहेगा तो प्रभु चरण में भक्ति कैसे करेगा। और तीसरा है स्त्रियम, स्त्रियम का मतलब है बोले स्त्रियों में ये कली का निवास है। बोले कौन सा स्त्रियों में, बोले आप वैध रूप में जो स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्रियों का संग करते हैं, संसार करो शादी करके अपना पति पत्नी दोनों मिल करके धर्म पूर्वक का संसार करो, ऐसे नहीं शादी नहीं किया बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बना करके घूम रहे हो, नहीं। ये भागवत में बड़ी गंदी बात उनको बताई गई, इसलिए ऐसे नहीं। अभी ये बड़े बुढ़ों को पूछो कभी डाइवोर्स का नाम को भी सुने हो, पूछ लो। अभी भारत में 30% डाइवोर्स होगा। बोले क्यों, कारण क्या? बोले कारण यही है जो लड़की बहुत लड़कों के साथ में घूम करके आएगी, जो लड़का बहुत लड़की को साथ में घूम करके आएगा, शादी करके कभी संसार कर सकता है? कर ही नहीं सकते। इसलिए संसार करो शादी करके अपना पत्नी धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी को बितानी चाहिए। चौथा जो कली का निवास है वो जीव हिंसा। जीव हिंसा का मतलब होता है ये मांस मछली अंडा ये सब चीज को नहीं खानी चाहिए, शुद्ध रूप में शाकाहार करके अपना जीवन को बितानी चाहिए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। हरे एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो एक बात को समझो, जैसे हम बता ना मांस मछली मत खाओ अंडा मत खाओ, कोई कोई बोलते हैं ये सब चीज नहीं खाएंगे तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी। और सोता हुआ भी कुत्ते को देखो ना हफ्ते हुए देखो, जैसे शेर और जैसे बाघ ये सब के सब नन भेजे गलिया, आप डिस्कवर खोल करके देख लो, जब एक बार ये मांस खाते ही 3-4 दिन तक सोना पड़ता है, क्यों? उसको हजम करने के लिए। आप चिड़ियाखाना में जाकर शेर को देखो ऐसे पंजा करके बैठा हुआ, हफ्ते हुए उसको देखोगे ये सब के सब नन भेज। अभी देखो भेज, जैसे घोड़ा, घोड़ा क्या खाता है? साग सब्जी खाता है, घास खाता है। लेकिन हम जब किसी मछली को साथ में उदाहरण देते हैं ना, हम कहते कितने हर्ष पावा, इसको साथ में उदाहरण देते हैं कितने हर्ष पावा, वो घोड़े को साथ में उदाहरण देते हैं। वृंदावन गए हो आप देखना वहां घोड़ा रख देखना, एक एक घोड़ा 10-10, 15-15 व्यक्ति को बैठा करके वो एक घोड़ा खींच कर ले जाता है, इतने ताकत है। रेस किसकी होती है? घोड़े को, घोड़े का रेस होता है। आप बताओ एक बैल क्या खाता है? घास खाता है, दिन भर तक में काम करता है। एक हाथी क्या खाता है? वो पेड़ पौधा खाता है, इतने बड़े शरीर उसका है, इतने ताकत है किसकी। एक गरिला क्या खाता है? इतने ताकत। एक गधा क्या खाता है? हम कहते ना तू गधे जैसे काम कर रहे हो, ये खाता है घास खाता है। यहाँ पर दिखाया जो वेजिटेरियन है उनका अंदर में ज्यादा शक्ति है, नन में बिल्कुल नहीं। अब देखो हमारा ये जो शरीर बना है ये भेज है, नन भेज है। देखो जैसे कुत्ते और हमारे बाघ और उससे देखना, इनके रातों में इनके आंख जलते हुए जलता हुआ दिखेगा, क्योंकि नन भेजे हैं। लेकिन मैंने जितना भेजों में वेजिटेरियन का नाम लिया ना, उनमें आंख कभी जलती नहीं। जैसे कुत्ते शेर बाघ इनका दांत कैसे है? नुकीले नुकीले, क्यों? ये मांस खाएंगे इसलिए इनका दांत पहले नुकीले नुकीले बना दिया गया। हमारे दांत देखो कैसे है? नुकीले नहीं, प्ले। एक बकरी का दांत देखो, एक घोड़ा का दांत देखो, एक गधे का दांत देखो, वो हमारे जैसे दांत हैं, क्यों? ये सब के सब वेजिटेरियन है इसलिए पहले से ही भगवान इनको दांत वैसे बना कर रखे। और जो नन भेजे हैं आप देखना कुत्ते बिल्ली पानी कैसे खाते पीते हैं? जीभ से पानी पिएंगे, जीभ से पानी पिएंगे। लेकिन जितने मैंने भेज का नाम बताया कोई जीभ से पानी नहीं, मुंह में लगा करके पानी पीते हैं। जितने नन भेजे हैं उनका जो आंत है पेट का हजम शक्ति केवल 2 मीटर है, केवल 2 मीटर है, इसलिए वो मांस खा करके
उनको जब खाते हैं उनको मांस खाने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो उनका भोजन है, इसलिए पकड़े और सीधा उसको खा लिया, लेकिन हजम कर देते हैं। लेकिन हमें एक कच्चा मांस के टुकड़े दिया जाए, हम हजम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वो हमारा भोजन है ही नहीं। और उनका आंख 2 मीटर होने का नाते जल्दी भोजन करके खा करके निकल जाता है, और हमसे उनका जो हजम शक्ति 10 गुना ज्यादा है, इसलिए वो कच्चा मांस को हजम कर लेते हैं, हैं? लेकिन हम हजम नहीं कर सकते हैं। क्यों? हमारा जो आंख है 6 मीटर हमारी आंख है, 6 मीटर है। इसलिए आप इंटरनेट खोल कर तब देखेगा, इंटरनेट खोल करके कौन सा देश में सबसे ज्यादा लोग बीमारी और कैंसर और हार्ट अटैक के मरते हैं, आप इंटरनेट खोल कर देखना, जिस देश में ज्यादा मांस भोजन करते हैं, ये मांस खाते हैं, उसकी देश में ज्यादा बीमारी और ज्यादा रोगग्रस्त हार्ट अटैक उन्हीं के देश में। इसलिए हमारे शरीर वेजिटेरियन है, ये नॉन वेजिटेरियन हमारा शरीर नहीं। और देखो पैसा में 1 किलो अगर मांस लो किसी बकरी का, देखना 400-500 रुपया, 600 रुपया, 700 रुपया, और उसमें मसला मसला दे करके पता नहीं कितना पैसा में एक बार 1 किलो मांस लाओ, एक बार खा कर बताओ। आप 500-700 रुपया की साग सब्जी लेकर के आओ, बताओ कितना मिल जाएगा? बोलो कितना मिल जाएगा? एक सप्ताह चली जाएगी, पैसा भी कम खर्च हो गया और शरीर आपका सुस्त रहेगा, शरीर आपका सुस्त रहेगा, आप निरोग रहोगे, हैं? अभी मैं बेंगलोर में गया था किसी कारण से हॉस्पिटल में, और वहाँ पर मैंने पूछा, भैया ये लोग कहाँ से आए हो? तुम लोग एक और मैंने परिचय लेकर के देखा, बंगाल और जो ज़्यादा मांस मछली खाते हैं वहीं से लोग ज़्यादा आए हुए थे। मतलब भैया डॉक्टर ने क्या बताया तुम्हें? मतलब ये मांस मछली को छोड़ो, अगर शरीर को सुस्त रखना चाहते हो मतलब मांस मछली को छोड़ो। इसलिए अभी मैं ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आया हूँ, वहाँ पर मैंने होटल में गया था, मुझे भक्त लोगों का उनको देश में भी धीरे धीरे वेजिटेरियन बन रहे हैं, मांस मछली छोड़ रहे धीरे धीरे, सबसे ज़्यादा मांस मछली खाने वाले ऑस्ट्रेलिया लोग अभी धीरे धीरे चीज़ यहाँ तक भी दूध पीना भी छोड़ रहे हैं, वो दूध पीना भी छोड़ रहे हैं, मांस खाना भी छोड़ रहे हैं, वो भी धीरे 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 वेजिटेरियन बन रहे हैं। इसलिए इसका नाम है मांस। मांस का मतलब क्या है? संस्कृत पढ़े हो? कौन कौन संस्कृत पढ़े हो? थोड़े बहुत ये संस्कृत शब्द मांग मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब जिसको तुम खा रहे हो बाद में जो खाएगा। इसलिए अंग्रेजी में मीट, मीट मतलब क्या? मी ईट और ईट मी, मी ईट मतलब मुझे खाओ और ईट मी तुम मुझे खाओ। आप किसी भी भाषा में आप देखो उसका एक ही अर्थ निकलेगा, तुम जिसको खा रहे हो बाद में तेरे को जो खाएगा, किसी भी भाषा में निकाल दो। अभी मैं रशिया गया था, जब बोलने लग गया वो भी यही बात बोले, उनका मांस को मैं से देते हैं और उन्होंने एक ही अर्थ बोले, और इसका एक ही अर्थ है तुम जिसको खा रहे हो बाद में तुमको जो दोबारा खाएगा, क्योंकि पाप अपना बाप को नहीं छोड़ता है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। इसलिए आप लोगों धीरे धीरे कोशिश करो निरामिष भोजी होकर के, इसमें पैसा भी कम और शरीर भी सुस्त रहेगा, और जो कुछ खाओगे ठाकुर को भोग लगा कर खा सकते हो, हर तरह से हमारा जीवन सुखमय बनेगा, और इसमें कली का निवास है, ये चीज को छोड़ने के लिए कोशिश करना। जब परीक्षित महाराज यहाँ पर स्थान दिया, कली तभी खुश नहीं, बोले कहाँ कहाँ मैं ढूंढूं, मेरे को एक ही स्थान दे दो जहाँ पर सारी चीजें मिलेगा। तब उन्होंने पैसा सुवर्ण किया, मतलब किया बोले ये सारे पाप कर्म देखना, जहाँ पर ज्यादा पैसा वैसे घर में कौन जाएगा, जिसको ज्यादा पैसा ये जुआ कौन खेलेगा, ज्यादा पैसा ये शराब कौन पिएगा, ज्यादा पैसा ये मांस पांच पांच छह से सात हजार रुपया कौन खाएगा, ज्यादा पैसा बने, ये पैसा भी उन्होंने स्थान दे दिया। हाँ देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, पैसा का एक नाम लक्ष्मी है, आप लोग को बता सकते हो लक्ष्मी का बाहन कौन है? कौन बोलेगा हाथ उठा, बोले जोर से, मतलब जब ये पैसा घर में आती है ना वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आती है और हम ये उल्लू बनाते हैं। लेकिन लक्ष्मी की औरे के बहाने, एक तो उल्लू बहाने, औरे के बहाने कौन बोलेगा? करोड़। बोला कौन बोलेगा? करोड़। कौन बोलेगा? करोड़। इसका औरे के बहाने गरुड़ है, लेकिन देखा ना गरुड़ के ऊपर में कभी भी माँ लक्ष्मी अकेले नहीं बैठे हुए। देखो
गौरव के ऊपर में लक्ष्मी नारायण और दोनों बैठे हुए देखो, अकेली लक्ष्मी को नहीं देखोगे। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी को बुलाओ। क्यों? लक्ष्मी के बगैर कुछ होता ही नहीं, लेकिन लक्ष्मी को अकेले मत बुलाओ। अगर अकेले लक्ष्मी को बुलाओगे तो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगा। अकेले बुलाना मतलब क्या? बोले माँ लक्ष्मी घर में आओ, बोले क्यों? तेरे को भोग करूंगा, खाएंगे पिएंगे, घर बगाना बनाएंगे। लक्ष्मी बोली कि मैं नारायण क्यों, मैंने जगन्नाथ की लक्ष्मी हूँ, तो मेरे को भोग करना चाह रहे हो? फिर लक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगी और हमें उल्लू बनाएगी, और घर में जितने पहले तुम्हारी पैसा हो जाए, लक्ष्मी घर में कभी शांति सुख नहीं देगी। पैसा तो आई, क्यों? लक्ष्मी का भोग करना चाह रहे हो, लक्ष्मी का आप भोग नहीं कर सकते हो। वो लक्ष्मी जगन्नाथ जी के है, नारायण की है, उनकी सेवा में लगाओगे तब तो लक्ष्मी घर में शांति सुख देगी। इसलिए गौरव ऊपर आती मतलब क्या? लक्ष्मी को जब बुलाओगे ठाकुर को सेवा के लिए, फिर वो गौरव को पीठ पर बैठ करके आएगी, उल्लू को ऊपर नहीं। गौरव कहाँ रहता है? देखो यहाँ पर गौरव है ना, गौरव है ना, गौरव रहता है वैकुंठ में, मतलब हमारे घर को नहीं, फिर लक्ष्मी हमारे घर को वैकुंठ बना देगी। क्यों? आप लक्ष्मी को ठाकुर जी की सेवा में लगा रहे हो, इसलिए माँ लक्ष्मी को बुलाओ। लेकिन ये चीज याद रखो, लक्ष्मी ठाकुर जी के, लक्ष्मी हमारी नहीं है। ठाकुर जी की सेवा में जब लक्ष्मी लगेगी, हमें शांति सुख प्रदान करेगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए कल कृष्ण का जन्मोत्सव है, आप लोग सब सद्धज करके आना कल बड़ी धूमधाम से। बाबा अगर हो सके ना थोड़ी गुब्बारा देकर सजा देना, क्योंकि साधारण कोई मंत्री मंत्री आए ना, उनके लिए कितने स्वागत होता है। और कल स्वयं विश्व ब्रह्मांड का मालिक आने वाले हैं, उनका मालिक आने वाले हैं, इसलिए कल भगवान जन्म ग्रहण करेंगे। जितने पुरुष लोग सब गोप भाव से नंद भाव से आना, बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़ा पहन करके, जैसे शादी में जाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, कल भगवान जन्म लेंगे। और जितने माताएं कौन सा रंग के कपड़ा पहन करके आओगे? पीले रंग के, सबके सब बढ़िया गोपी भाव से बढ़िया कपड़ा पहन करके आना, ठीक है? कल हम बड़े धूमधाम से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। और देखो कल है ना, कल एक और भी एक अच्छी तिथि हेरा पंचमी। हेरा पंचमी मतलब माँ लक्ष्मी जगन्नाथ लक्ष्मी को ये बोल कर गए थे, मैं आज जा रहा हूँ, कल ब्रजवासियों से मिलकर के परसों आ जाऊंगा। लेकिन वो परसों बोल करके पांच दिन हो गया, जब नहीं आए, लक्ष्मी बड़ी क्रोध से निकली, सब धज करके क्रोध से निकली, और निकल करके सबसे पहले तो रथ का पहिया तोड़ देती है। इसलिए इतना इनकी क्रोध है, बल्कि ब्रजवासियों के प्रेम में पड़ करके पहले भूल गए हो, फिर जगन्नाथ जी को साथ में फिर बात करते हैं। कल ये सब कथा को हम अच्छे तरह से सुनेंगे। हेरा पंचमी है क्या चीज, हेरा पंचमी क्यों होता है, इसको हमारे शास्त्र में बड़ी अच्छी तरह से वर्णना की। चैतन्य महाप्रभु स्वयं इसको दर्शन करके आनंद लेते थे। और कल मेरे को कहीं जाना, कोई विशेष काम है, इसलिए कल हम कोशिश करेंगे मैं कथा को थोड़ी जल्दी समाप्त करके, मेरे को किसी विशेष किसी प्रोग्राम में हमको जाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जल्दी आ जाएंगे तो कल हम जल्दी कथा को विश्राम दे देंगे। फिर उसको बाद में फिर राधा रानी जन्म लेगी, फिर गिरिराज पूजा होगा, भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी, अभी चार दिन तक उत्सव चलेगा। आज जैसे बच्चे लोग बड़े सुंदर गोपी बन करके आए थे ना, कल ऐसे ही सब आपका जितने ग्वाल बाल को बच्चों को सब जैसे गोपी और बच्चों को कृष्ण बना करके लाना, ठीक है? और एक व्यक्ति को नंद जसोदा बनाना, और एक देखना घर में अगर पाँच छः महीना की किसी घर में बच्चा हो, बेटा हो, किसके घर में है पाँच छः महीना की बच्चा कोई बेटा किसके घर में हो, हाथ उठाओ तो है अब घर में, उसको कृष्ण बना करके बड़े सुंदर कृष्णा, और उसका मैया को जसोदा बना करके सुंदर रूप में जसोदा नंद जसोदा बना करके लाना। और कल भगवान वामन देव भी जन्म लेने वाले, इसलिए कल बड़े धूमधाम से हम लोग नंद महोत्सव मनाएंगे। अब कोशिश करना घर से कुछ कुछ हो, जैसे टप्पी है, चकलेट है, जैसे लुटा देना खिलौना है, क्योंकि ये कथा आप सब लोग करवा रहे हो, कुछ ना कुछ लेकर के साथ में आना, और ये चीज आप लोगों को ही सब कैसे मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ सब के सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, जिस भजन में आपको सबके सब नाचना पड़ेगा, इस भजन में सबके सब खड़े हो जाओ।
Thank you.
रास्ते में सबके सब हाथ मिलाओ सबके सब बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल खड़े हो खड़े हो नाचते हुए शरीर को हिलाते हुए बढ़िया से नाचोगे ना फिर भूख लगेगी अरे प्रसाद के लिए तैयारी है तभी प्रसाद में आनंद आएगा बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताई गौर हरि